स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। हालांकि दोपहर 3:30 बजे जब खेल शुरू हुआ था तो था कि शायद भारत जिंदा है, शायद भारत कुछ करेगा, लेकिन अब जाकर आज के दिन का पहला विकेट गिरा है, और तब गिरा है जब शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। लेस्टर कुक, जिन्होंने अपनी आखिरी पारी में 100 जमाया, शतक जमाया, अभी अभी आउट हुए हैं। 321 रन पर तीसरा विकेट गिरा है ये इंग्लैंड का, यानी कि लीड 361 रन की हो चुकी है। और जिस तरह भारत की बॉडी लैंग्वेज, गेंदबाजी, फील्डिंग, कैचिंग दिखी है, लग यही रहा है कि भारत ने हार मान ली है, भारत ने सरेंडर कर दिया है। इस समय आपको बताया कि जो रूट, कप्तान जो रूट ने भी शतक जमाया और एलिस्टर कुक के बीच ये साझेदारी हुई। क्विक रन विल गेट हिम टू हिज 14th टेस्ट 100। 4 विकेटें अभी गिरी है, जो रूट भी आउट हो गए और साथ ही साथ अगली ही गेंद पर कुक भी आउट हो गए। और मजे की बात यह है कि दोनों विकेटें किसको मिली हैं? ये मिली है हनुमा विहारी को। हनुमा विहारी का तो ड्रीम टेस्ट डेब्यू चल रहा है, वो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर थे। अब देखिए, उनको सुबह से किसी गेंदबाज को विकेट नहीं मिली, उनको गेंद पकड़ाई गई, उन्होंने पहली गेंद पर जो रूट को आउट किया और अगली गेंद पर आउट हो गए हैं एलिस्टर कुक। दोनों ने शतक जमाए, लेकिन फिलहाल मदन जी और निखिल मेरे साथ हैं, ये मैच भारत हार की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल लगता है 1.5 घंटा उन्होंने ट्राई किया शुरू में, उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, कोई लगा नहीं, इंटेंसिटी नहीं दिखाई दे रही थी, और उसके बाद हमने कैचेस बहुत छोड़े हैं। अगर कैचेस एक दो पकड़े जाते शायद मैच में आ जाते, वापसी कर लेते, क्योंकि मैच कैचेस इसलिए भी छूटे हैं क्योंकि आप गेम में थे ही नहीं। ये भी एक मेंटली आप समझ गए थे कि क्या चल रहा है, मैच से निकल गए। अब ये जो है आगे वाला जो पड़ाव है भारतीय टीम का, और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप किस लिए खेल रहे हैं? आप या तो ड्रॉ के लिए खेलोगे, सही बात है, या तो फिर ड्रॉ के लिए खेलोगे तो अगर रन स्कोर बोर्ड नहीं चलाओगे तो आपके हारने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये जो पड़ाव है अगले जो 100 ओवर आप कह लीजिए, अगर तो आपको 20 ओवर देते हैं, 100 ओवर देते हैं, तो उसमें इनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक रन तो किसी ने नहीं बनाए, ऊपर से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, नंबर 5-6 पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुश्किल तो काफी। ये भी ना भूले निखिल कि इंग्लैंड ने आज बड़ी तेज बैटिंग की है, मतलब 207 रन बना चुके हैं, और अभी तो दूसरे सेशन में भी तकरीबन 40 मिनट और हैं। वो जानते हैं, इंग्लैंड अब जानता है, और भारत भी इस बात को जानता है कि गाड़ी दौड़ा कौन रहा है, गाड़ी दौड़ा रहा है इंग्लैंड। इंग्लैंड के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है और इंग्लैंड का पैर जो है एक्सेलरेटर पर भी है, भारत पीछे बैठा हुआ है। भारत ये कह रहा है यार कब डिक्लेयर करोगे, कितने ओवर आज खिलाओगे, 90 ओवर कल होंगे, और वाकई में यहां से मैच भारत के लिए बचाना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है। 110 ओवर खेलने पड़ेंगे, जिस तरीके से आपने कहा 361 की साझेदारी ऑलरेडी मतलब बढ़त बन चुकी है, 60-70 रन की और एक साझेदारी हो जाती है 430, तो कम से कम इंग्लैंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जैसे मदीपा ने कहा विकास भाई, कभी भी 100-125 ओवर खेलना ना टेस्ट मैच बचाने के लिए आसान नहीं होता, और खास तौर से पूरी की पूरी श्रृंखला में जब आपकी बैटिंग जो है वो चली नहीं है, हमेशा आप दबाव में रहे हैं। विराट कोहली को छोड़ के मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई और एक ऐसा बल्लेबाज सामने आया हो जो कह रहा हो कि अच्छे फॉर्म में हो, कंसिस्टेंटली रन बना रहा हो, तो राह आसान नहीं होगी। लेकिन आखिरी इनिंग है इंग्लैंड की, आपको अपनी साख के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये साख के लिए खेलते हैं विक्रांत मनेकल, अगर इसमें से 100 बनाता आप उसको ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया? अब सारे टूर में आप फेल हो गए, अब लास्ट में आके अगर 100 भी मांग रहे हैं, अगर 100 तो बहुत बड़ी बात है ना? हम अगर 25 थोड़ी मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं 100 बना दे। और जिस तरह ये सीरीज भारत के लिए रही है, वो अगर 100 तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब वो नहीं देखिए हो जाए तो मतलब क्रिकेट में होता है। देखे जो रूट भी स्ट्रगल कर रहा था, उसने 100 बनाया है आज, लेकिन वही बात है ना कि उनके ड्रेसिंग रूम में और हमारे ड्रेसिंग रूम में जो शायद अंतर है, जो फासला है, वो जहनी तौर पर वो भी है। लेकिन देखिए 321 चार आउट, लीड है 361 रनों की, अभी भी आज के दिन में 38 ओवर का खेल बाकी है और कल 90 ओवर है। 2 ओवर आप निकाल लीजिए जो चेंज ओवर होगा, लगता तो यही है कि इंग्लैंड टी के थोड़ी देर बाद भारत को अंदर भी डाल देगा। तो आज की हाईलाइट यह है कि लेस्टर कुक, जिन्होंने पूरे दौरे पर रन नहीं बनाए, पूरी सीरीज में रन नहीं बनाए, उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में 200 से ज्यादा रन बनाए, 71 रन पर आउट हो गए थे पहली पारी में। और ये देखिए अपनी आखिरी टेस्ट पारी में ये 100, उसके बाद का जश्न,
चेहरे पर वो मासूमियत और वो खुशी देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुक का दिल पसीज जाएगा, वो कहेंगे यार थोड़ी देर और खेल लेता हूँ, लेकिन परिवार के सामने। और इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास में इससे ज़्यादा रन किसी ने बनाए नहीं, यानी कि उनके सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी का ये फेयरवेल है। अब से तकरीबन 6-7 मिनट पहले वो आउट भी हो गए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे आउट होने के बाद उनको रिसेप्शन मिला। लेकिन कुक भी मदन जी समझ गए थे कि यहां 100 नहीं बनाऊंगा तो फिर इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ईशांत शर्मा को जैसी चोट लगी वो बाहर जाकर बैठ गए ट्रैक सूट पहनकर, उसके बाद भारत के पास गेंदबाज थे नहीं गेंदबाज और वो इंटेंट जो आपने कहा ना छोड़ चुके थे। हाँ छोड़ चुके थे, पर मैं कुक के बारे में बात करना था कि कहते हैं ना अच्छी चीजें जो हो गई अच्छे इंसान के लिए होती हैं। तो देखिए एक बड़ा बहुत बड़ा लेसन है, 3 स्ट्रोक से 12-13 हज़ार रन बनाए उन्होंने, एक फ्लिक मारते हैं, एक कट मारते हैं, एक ड्राइव करते हैं, बस। और जो सबसे बड़ी बात है हाँ, बस वो जो खेल रहे हैं, ये देखिए कैसे आउट। और उसके बाद कैच के हनुमान बिहारी को दरअसल 2 गेंदों में 2 विकेट मिली, रूट और कुक दोनों को उन्होंने आउट किया। उसके बाद विराट ने आकर हाथ हिलाया, भारत के खिलाड़ियों ने उनको मुबारकबाद दी। भारत के खिलाफ उन्होंने रन भी इतने बनाए हैं। ओवल वो मैदान जहां पर सर डॉन ब्रैडमैन, सर विव रिचर्ड्स, उन दोनों ने अपनी आखिरी पारियां खेली थी। To the dressing rooms for Alistair Cook, but this time he goes with the thanks of a cricketing nation. This one isn't a lonely walk. He has thousands of people here today. Alice and the children are here today to mark the event, to mark the day. You know what, he's had more standing ovations in this game than many people get in his entire career. अच्छा अब चूंकि हम भारत की ही बात कर रहे हैं और कैसे आपके पास इतना वक्त होगा, इतने ओवर्स होंगे और फिर वो आप लड़ पाएंगे कि नहीं, एक टेस्ट मैच इसी मैदान पर हुआ था 1979 में। ये तो दरअसल है कि सक्सेसफुल चेजेस मतलब ओवल में जीतने के लिए 255 से ज्यादा किसी ने रन नहीं बनाए, तो आप जानते हैं कि भारत जीत तो नहीं सकता। लेकिन एक करिश्मा होते होते रह गया था, 1979 का वो टेस्ट मैच था इंग्लैंड और इंडिया का। उसमें भारत को चौथी पारी में 438 रन का लक्ष्य मिला था, 438 रन। भारत ने 150 ओवर बैटिंग की, सुनील गावस्कर ने 221 रन बनाए, चेतन चौहान ने 80 रन बनाए, दिलीप वेंगसरकर ने 50 रन बनाए। और जहां पर एक वक्त ये लग रहा था कि भारत 438 चेज कर देगा, आखिर में जाकर भारत सिर्फ 9 रन से रह गया। हालांकि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, वेंकट राघवन भारत के कप्तान थे। अब यही टेस्ट मैच मुझे दिखता है जो भारत के ड्रेसिंग रूम में भी स्कोर शीट सर्कुलेट हो रही होनी चाहिए। 150 ओवर भारत ने तब बैटिंग की थी। विक्रांत भाई आपने 1979 की बात की है, फर्क ये है कि उस श्रृंखला में सब किस किस्म के फॉर्म में थे। यहाँ इस श्रृंखला में सिर्फ विराट कोहली ही एक कंसिस्टेंट फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा आखिरी इनिंग्स है, साख के लिए खेलना होगा। 30-30, 40-40 रन बना के आप ओवल की विकेट पे आउट हो रहे हो तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप खुद ही अपने गिरेबान में झांक के देखें कि ये मौके थे, हमने खुद गंवाए। उसके बाद जो भी चयन करता निर्णय ले वो उसके आप हकदार हैं, क्योंकि आप 30-30, 40-40 रन बना के आप आउट हो रहे हैं। स्टार्ट लेने के बाद आप अपनी टीम को मुश्किल में डाल रहे हैं। सही बात है। जिसने कहते हैं ना कि क्रिकेट में पहले 30 रन ही तो मुश्किल होते हैं, 30 बना लिए तो भाई फिर उसके बाद 50 और 50-100। कुक को देखिए, उन्होंने पूरी सीरीज में रन नहीं बनाए, लेकिन जहां स्टार्ट मिला उन्होंने उसे बड़ी स्कोर में दोनों पारियों में तब्दील किया। खैर फिलहाल तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर सर जडेजा, जिन्होंने कल जिनका ही दिन था कल, उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू किया मैच के बाद अपने पारी के बारे में। उन्होंने कहा कि मेरे बैट पर थोड़ी सी मिट्टी लग गई थी, उसकी मैं सफाई कर रहा था। दोस्तों फोन उठाइए और फटाफट स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 17 सितंबर दुबई से स्पोर्ट्स तक पर एक्सक्लूसिव सलाम क्रिकेट एशिया कप पर, जिसमें भारत पाकिस्तान के दिग्गज होंगे, 11 दिग्गज होंगे,
जिसमें से 6 वर्ल्ड कप विनर्स हैं और 2 ऐसे हैं जो वर्ल्ड T20 जीते हैं। जी हाँ, 8 वर्ल्ड चैंपियंस एक मंच पर एक साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना है।